बिहार के कटिहार के नगर विधायक तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से उनके वृद्ध माता पिता बेहद खुश हैं। आपको बता दें कि भावी डिप्टी सीएम के पिता का कहना है कि वह व्यवसायी परिवार से थे, लेकिन कभी भी उन्हें व्यवसाय में मन नहीं लगा, उन्हें बस राजनीति में मन लगा करता था। राजनीति के प्रति समर्पण और ईमानदारी की वजह से वो आज इस मुकाम के करीब हैं। आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद के पिता का कहना है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटा बखूबी उस पर खड़े उतरेंगे, उसे बखूबी निभाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक तारकिशोर प्रसाद की मां का भी कहना है कि वो पहले से ही आरएसएस से जुड़े हैं और भाजपा को मजबूत करने के लिए पूरे देश भर में कई कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसे में अब उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उसका पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। इसको लेकर तारकिशोर प्रसाद के घर में, उनके परिवार में इस खबर को सुनते ही जश्न का माहौल हो गया है और वहां पर सभी लोग खुश हैं। उनके परिवार के सभी लोग बेहद खुश हैं और अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं कि उनके तारकिशोर प्रसाद अब बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद बिहार के कटिहार से ताल्लुक रखते हैं।